This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे reasons for sharp drop in the market. नाज़रीन, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट बिल्कुल स्लो डाउन हो गई है, टर्नओवर बिल्कुल ड्राई अप होते जा रहे हैं और साथ साथ जो है मार्केट रोज़ाना नीचे जा रही है. कल 172 पॉइंट्स की कमी आई मार्केट में और जो टोटल टर्नओवर था सिर्फ 7 करोड़ था, विच इज़ वेरी लो कम्पेयर टू 30-40 करोड़ जो हमने बीच में देखे थे. क्या हो रहा है उसकी जो मेन रीज़न डेली टाइम ने मिसाल के तौर पे जो दी है और लोगों के मुख्तलिफ व्यू है वो ये है कि नेटो सप्लाई ब्रेक ऑफ का जो मसला है उसने बहुत सीवियरली इम्पैक्ट किया है और इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत तेज़ी से मुल्क से जा रहे हैं. परसों हमने देखा था कि तकरीबन 69 मिलियन की ऑफ फॉरनर्स ने सेल किया, कल भी जो है तकरीबन $4 मिलियन का उन्होंने सेल ऑफ किया. उसकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट में और एक नर्वसनेस क्रिएट हो रही है. साथ साथ जो मुल्क के अंदरूनी हालात हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, एक इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, ये सारे फैक्टर इन हो रही हैं. साथ साथ ये जो रुपीज़ हमारा डिक्लाइन होते होते कल 1.96 तक पहुँचा, इसका भी इम्पैक्ट है. इन बातों पर बात करेंगे. मेरे साथ मौजूद हैं हमारे साथी एंकर एक्सपर्ट मोहम्मद यासिर साहब. यासिर साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि एकदम से 13,500 का भी लेवल टूट गया कल और ऐसा अब बातें शुरू हो गई हैं कि 12,600 पे मार्केट चली जाएगी और कोई कह रहा है 13,300 पे आ जाएगी, तो ये आपकी नज़र में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो इस तरफ हमें डिक्लाइन की तरफ लेके जा रहे हैं इस वक्त? थैंक यू वेरी मच तारिक साहब फॉर इनवाइटिंग मी. एक पॉइंट जिसके अभी आपने जिक्र किया कि मार्केट जो है वो 12,000 की हो जाएगी या इससे कम की हो जाएगी, देखें फ्रॉम द ब्रोकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ब्रोकर्स को अपने सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी होती है कि जो उसका कस्टमर है या उसका क्लाइंट है उसको सिक्योर करना और उसको आगाह रखना कि आने वाले वक्त में होने के लिए क्या जा रहा है. जितनी अनप्रिडिक्टेबल अभी हो गई मार्केट ये जो एक वीक लास्ट गया है और इससे पहले भी, इनफैक्ट बजट से पहले भी हम देख रहे थे, बजट की वजह से जो मोमेंटम स्लो डाउन होना था वो एक हद तक होना था. इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर मार्केट को करेक्शन नहीं लेनी चाहिए थी, ये तो एक बिल्कुल फैक्ट है जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, क्योंकि मार्केट जहाँ से आपको टच कर आ रही है वो एक ऐसा लेवल था कि उसके बाद आप इतनी तेज़ी से इन मार्केट को नीचे जाते हुए नहीं देख सकते थे. जब हम लोग तमाम चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो 14,500 या 14,400 के करीब होनी चाहिए थी, कि जिस तरह की मार्केट के अंदर टेक्निकल रीजंस अभी हैं, ये टेक्निकल बेसिस के ऊपर मार्केट को इससे बड़ी करेक्शन नहीं लेनी चाहिए थी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ न्यूज़ ऐसी आई जिसके ऊपर मार्केट ने बेस किया, कुछ रूमर्स ऐसी थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू हुआ. दूसरी चीज़ ये कि कुछ फॉरन इनफ्लोज की कमी हुई. ठीक है, आपने जब मार्केट के अंदर देखा मार्केट के अंदर सेलिंग जो डोमिनेंट नजर आ रही थी उसका वन ऑफ द मेन रीज़न के जो फॉरन इन्वेस्टर था या फॉरन इन्वेस्टमेंट थी उसके अंदर कमी आना शुरू हुई, उसका एक बहुत बड़ा चंक था. अगर आप वैल्यूज़ के ऊपर जाएंगे तो बहुत बड़ी वैल्यूज़ नहीं थी, लेकिन फॉरन इन्वेस्टर जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो प्ले करते हैं हमारी मार्केट के अंदर. फिर कुछ जो पार्ट वो प्ले करती हैं इंस्टीट्यूशंस करती हैं और फिर जो बाकी का जो पार्ट होता है वो रिटेलर्स जो है वो करते हैं मार्केट के अंदर पार्ट लेते हैं. लेकिन सबसे बड़ा आपका जो लाइन शेयर है वो आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पास है. जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब मार्केट से आउटफ्लो हो जाती है और डॉलर टर्म्स के अंदर 16 या 17 मिलियन का आउटफ्लो हो जाता है तो वो आपके लिए एक बड़ी जो है वो एक नॉर्मल सी पोजीशन हो जाती है और मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है. ऑन दी अदर हैंड रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशन वो तो तमाम हालात को बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं, इनफैक्ट कर तो फॉरनर्स भी रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन सबसे ज़्यादा जिसको इफेक्ट करती है वो होता है लोकल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशंस. इंस्टीट्यूशन तमाम चीज़ें टेक्निकल बेसिस के ऊपर कर रही होती हैं, उनके पास कैलकुलेशन होती हैं, उनके पास सारी रिपोर्ट्स होती हैं, तमाम चीज़ों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो वो तो बड़ा सिक्योर होकर चलते हैं और उनके जो एवेन्यूज़ होते हैं वो हर आदमी वहाँ पर जा भी नहीं सकता. रिटेलर्स की बात होती है, रिटेलर्स के लिए मार्केट आपको पता है किस तरह की, इतनी वॉलेटाइल मार्केट है, रिटेलर्स के तो जो प्रॉफिट्स हैं वो तो वैसे ही जाए वो इनसिक्योर हो जाता है मार्केट को देखते हुए और करंट मार्केट के अंदर जहाँ इतनी तेज़ी से फ्लक्चुएशन आ रही है तो न्यूज़ बिल्कुल काम कर रही है मार्केट के अंदर और न्यूज़ जो इस वक्त काम कर रही है वो हम देख रहे हैं. और कुछ न्यूज़ अगर आप फंडामेंटली मार्केट की बात करें तो आप और मैं रोज़ाना इस चीज़ को फोकस करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं, मार्केट से हमारा इंट्रैक्शन रहता है, जो ब्रोकर्स हैं फंडामेंटल बेसिस के ऊपर मार्केट को देखें तो मार्केट के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही. और अगर मार्केट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक फैक्टर यासिर ये भी तो हम इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर आज ही की आप फिगर देखें हमारी 172 मार्केट गिरी लेकिन साथ साथ तमाम दुनिया की मार्केट्स भी गिरी. बिल्कुल. और उसका लोग जो बता रहे हैं कंसर्न है जो कि स्पेन में हो रहा है. बिल्कुल, बिल्कुल. स्पेन में 100 मिलियन डॉलर यूरो का पैकेज दिया गया लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशन पर बहस शुरू हो गई है. बिल्कुल, बिल्कुल. और हो सकता है कि वो ना ले तो इसका मतलब है स्पेन विल गो इन सीरियस क्राइसिस. बिल्कुल, बिल्कुल. ग्रीस का जहाँ तक ताल्लुक है वो 17 तारीख को वहाँ इलेक्शन होने वाला है, या तो वो ऑस्ट्रेटी प्लान को रिजेक्ट करके वो बैंक्रप्सी की तरफ चले जाएंगे
या एक्सेप्ट करेंगे तो मामला थोड़े सही रहेंगे। बिल्कुल, तो ये भी एक कंसर्न है कि दुनिया भर की मार्केट गिर रही है, बिल्कुल गिर रही है, हम बच नहीं सकते, भी बिल्कुल नहीं बच सकते। लेकिन स्पेसिफिकली ये जो नाटो का जिक्र किया जा रहा है वो पाकिस्तान के लिए बड़े रेलेवेंट है। अच्छा तक साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक एक चीज़ को हाईलाइट किया। मैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट और ये जो रीजनल मार्केट हैं उससे अपनी मार्केट को कंपेयर नहीं करता, जो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाँ ठीक है इसका रिलेशन है नहीं है, मैं इसको एक तरफ रखते हुए पाकिस्तान की बात करता हूँ। यूएस पाक रिलेशन के हवाले से सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स इस वक्त बात कर रहे हैं। जैसे सुबह भी इस हवाले से बात हो रही थी कि हम तमाम चीज़ों को जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो तमाम चीज़ों की बेसिस है वो यूएस पाक रिलेशन के ऊपर खड़ी हुई है। हमारी चाहे रीपेमेंट्स हों, चाहे हमारे आईएमएफ से ताल्लुकात हों, ये तमाम चीज़ें यूएस पाक रिलेशन से बेस करती हैं कि हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ताल्लुकात किस तरह के रहते हैं। अब कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, इनफैक्ट बजट से पहले ही कुछ मामलों के अंदर, इनफैक्ट सलाला चेक पोस्ट के वाक़ जो हुआ था उसके बाद से हमने देखा था कि कुछ ताल्लुकात के अंदर जो है वो एक कुछ लोगों ने कहा कि पॉइंट ऑफ जो है वो नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह की खबरें मार्केट के अंदर आईं और इसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग डिस्कशन होने लगी और लगातार के जो शो है पॉलिटिकल शोज जो करंट अफेयर्स के होते हैं उनके अंदर जब भी डिस्कशन स्टार्ट हुई तो वो एक ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर हर पाकिस्तानी सोचने लगा और अमेरिकन खुद भी सोचने लगे कि हम हर दफ़ा इस तरह के हमारे कोई ऑन एंड ऑफ इस तरह के मामला चलते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा क्या ऐसा हुआ कि इतने मामला जो है वो ख़राब हो गए। बहरहाल वो एक अलग पार्ट है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें जो बड़ी तेज़ी से तब्दील होने लगी। फिर अभी हम उससे रिकवर नहीं कर पाए थे कि बजट की अनाउंसमेंट हो गई कि बजट आ जाएगा, पहले आ जाएगा, इस दफ़ा मई में जो है वो अनाउंस कर देंगे और फिर वो फाइनली जो है उसको जो रिवर्ट बैक किया उन्होंने अपना डिसीजन और वो जून के अंदर 2 जून को अनाउंस हुआ फाइनली, तो वो कुछ उसका भी प्रेशर रहा। ये तमाम चीज़ें मिलकर जो स्टॉक मार्केट जो हमारी अभी स्ट्रगलिंग फेस में थी, अभी हमने मार्केट की जो मार्केट ने अपसर्ज ली है ये कोई बहुत दिनों के लिए नहीं चली, क्योंकि हम चार साल से जो मार्केट के अंदर हम काम कर रहे हैं और मार्केट के अंदर हम मार्केट को देख रहे हैं चार साल से, तो बिल्कुल हमारे पास पीनट्स है, हमारे पास कोई काम नहीं हुआ। हमारे ब्रोकर्स बहुत सारे ऐसे थे जो काम कर रहे थे 12 तक 11 तक चलेगा। आप देखिए 4 साल का एक लंबा स्ट्रगल करते रहे और अनफॉर्चुनेटली स्ट्रगल हम उस पर नहीं कर रहे थे कि हमारे पास कुछ हमारी इकोनॉमी नहीं सस्टेन कर पा रही थी, समाओ में इकोनॉमी के साथ तो स्ट्रगल कर रहे थे और एक लेवल पे हमें नजर भी आ रहा था, लेकिन मार्केट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। वजह यह थी कि एक सीजीटी का इशू था जो मार्केट के अंदर इम्पोज किया गया और उसका इफेक्ट मार्केट के अंदर हमें नजर आया और उसने हमारी मार्केट को इतना डिस्टर्ब किया कि हम पहले कभी इतना जो है स्ट्रगलिंग फेस से नहीं गुजरे। बहरहाल जब वहां पर मार्केट को रिवाइव करने की जरूरत थी इस तरह का डिसीजन आ गया और मार्केट दोबारा से नीचे चली गई। वो अल्लाह अल्लाह कर कि जब वो फैसला उसके ऊपर कोई एक उम्मीद बंधी लोगों की, कोई डिसीजन आया कि इसके ऊपर कोई एसआरओ जारी कर दिया जाएगा और इस फैसले को जो है वो वापस ले लिया जाएगा या इसका जो प्रोसीडिंग्स है इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स हम तो सीजीटी के मेरे ख्याल में इतनी डिस्कशन कर चुके हैं अब इसको दोहराना भी जो है वो मुनासिब नहीं लगता। बहरहाल वो उसके ऊपर डिसीजन आया और आप देखें कि मार्केट के अंदर जब चेंज की बात करते हैं मार्केट ने एकदम अपसर जो शो किया उसकी बेसिस जो थी वो यही थी कि आपने सीजीटी के ऊपर एक फैसला आपने जारी कर दिया कि ठीक है इसकी जो हम जो कलेक्शन की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको चेंज कर देंगे और फिर आपको जो एफपीआर के पास जाने की जरूरत नहीं है, फिर नेशनल क्लियरिंग जो है उस तमाम चीजों को लेकिन आपको रिटर्न फिर भी दाखिल करना है। बिल्कुल दाखिल करना वो भी है। एक काफी डिटरेंट है एक आम इन्वेस्टर के लिए। बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट चीज फ्रॉम डे वन हम इसके ऊपर लोग रिटर्न दाखिल करने नहीं जाते। बिल्कुल नहीं तक साहब, देखें मैं थोड़ा सा इस पर आपसे जो इख्तलाफ करूंगा अगर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की, हमारे बहुत सारे मार्केट के जो सीनियर ब्रोकर्स हैं उनसे भी बात की, उनका कहना भी यही था कि मार्केट से टैक्स देने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिटर्न फाइल करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स तो पहले भी दे रहे थे, पहले भी दे रहे थे, आप विथहोल्डिंग टैक्स पहले भी टैक्सेस लेते रहे हैं और आगे भी आप लेते रहेंगे और ठीक है टैक्सेस देने में तो किसी को कोई इशू था ना ब्रोकर को ना इन्वेस्टर को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि थ्रू ब्रोकर अगर आप तमाम चीज़ों को देखते हैं अपने काम को देखते हैं तो वो टैक्स देने में सारी कैलकुलेशन उसने करनी है, सारी उसने फाइल करनी, रिटर्न फाइल करने वो हो जाएंगे, एक दफ़ा की प्रोसीडिंग होती है उसके बाद तमाम चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा कि ये जो प्रोसीडिंग्स थी ये इटसेल्फ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, आपको एफबीआर के पास जाना, फिर आपसे सोर्सेस पूछना, आप बच्चों के लिए पैसे कहाँ से लेकर आ रहे हैं, उनके स्कूल की फीस कहाँ से पे कर रहे हैं। तो ये जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो ये नहीं है कि आपने स्टॉक में इतना कमाया तो वो तो कमाया ठीक है उस पर टैक्स दे दिया, लेकिन साथ साथ आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आपने डिपॉजिट में इतना कमाया, रेंट से इतना कमाया, सैलरी से इतना कमाया, वो सब मिला जुला के फिर आपको पूरा एक हिसाब पूरा अपना जो बैकग्राउंड बताना देना होगा या नहीं देना होगा, मगर दिस इज द परसेप्शन इन द मार्केट व्हिच इज अफेक्टिंग ए स्मॉल ट्रेडर्स। वो कहते हैं आपने यकीन करें कि जो आप उनके पास अल्टरनेटिव मौजूद है, कमोडिटी मार्केट में चले जाएंगे वो, बिल्कुल, और बहुत सारे मार्केट से वहां आप जा सकते हैं। सर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस वक्त यही है, अभी कल भी एक डिसीजन आया, एक मिनिस्टर साहब मेंबर थे नेशनल असेंबली के, उन्होंने कहा जी मैं कोर्ट में इसको चैलेंज कर दूंगा और इसके ऊपर डिसीजन लूंगा। देखें
ये एक तो एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे यहाँ कि तमाम चीजों को अगर ग्रास रूट लेवल के ऊपर देखी जाए ना और अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो हमें पता चलता है प्रॉब्लम का डैमेज किया है पिछले दो तीन दिन से एग्जैक्टली उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर हमें बड़ा डिक्लाइन हुआ। और देखिए कुछ लोग, मैं अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे कहना पड़ता है कि कुछ हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिकल लीडर्स या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वो हर इश्यूज को जो पॉलिटिसाइज कर रही है और वो एक ऐसा फैक्टर है कि जिसकी वजह से मामला तय हुआ था उन्होंने फिर से। और आप यकीन कीजिए कि अगर हम बजट के ऊपर भी हमारी इस हवाले से बात हो रही थी और हमने प्रोग्राम से भी बात की थी कि अगर किसी के पास इकोनॉमी को ठीक करने के लिए कोई डिसीजन है प्लीज कम फॉरवर्ड आए और इसको ठीक करने की बात करें, बजाय इसको क्रिटिसाइज करने के लिए कोई भी पार्टी हो, एक्सवाईजेड पीटीआई हो, सामने आए और इसको ठीक करने की बात करें। अगर आपके पास कोई माकूल सजेशन है तो आप लेकर सामने आए, और स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपके पास कोई है, आपको लगता है इसमें ब्लैक मनी जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है या इसके अंदर वो मार्केट के अंदर लोग लेकर आ जाते हैं, इस मार्केट में ब्लैक मनी का तो कोई इश्यू ही नहीं है। वे बैक इन 90s महबूबुल्लाह साहब ने ये इकोनॉमी को खुला छोड़ दिया, बिल्कुल। और कि एक भी और ऐड करना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप देखते हैं तमाम चीजों को एनालाइज कर लें और उसके बाद ये फैसला करें कि पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे एवेन्यूज हैं जहां पर ब्लैक मनी जो है वो नहीं लगा हुआ, फ्रॉम रियल एस्टेट टू स्टॉक मार्केट और किसी भी एवेन्यू के अंदर जाए। अगर अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करना है तो कोई मसला नहीं है, दुबई भेजो वापस मंगा लो, एग्जैक्टली देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, वो तो महबूबुल्लाह साहब बना के चलेगा फार्मूला, बिल्कुल। जब ये इशू को क्लोज कर देना चाहिए, अब ये ब्लैक मनी को स्टॉक मार्केट में ही लाके व्हाइट करने की क्या जरूरत पड़ी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। और यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं लोग, वहां जाके देखें स्टॉक मार्केट में, मैं कहता हूँ जो ही लोग ये फैसला करने के लिए जा रहा हूँ एक दफा स्टॉक मार्केट का विजिट अगर कर लेना, अगर वो जाकर अंदर पैर रख लें और स्टॉक मार्केट के अंदर देख लें, उन लोगों से मिलना जो काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में काफी चीजें उनको समझ में आ जाएंगी। वहाँ पर कोई लैंडलॉर्ड्स नहीं, पैसा मिंट कर रहे हैं, बहुत कमाई हो रही है और हमें ये शेयर नहीं दे रहे, सब जो रुपए और पैसे के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे वो क्या काम होगा। और आपके 10 पैसे के ऊपर लोग बैठे हैं और इस इकोनॉमी के अंदर, अब ग्लोबली अगर देखें इस वक्त मार्केट के अंदर मार्जिन वो नहीं है जो किसी जमाने में हुआ करते थे, इवन स्टॉक मार्केट की अगर आप प्रॉफिट्स की बात कर लें तो जो 2008 के अंदर जो 16,000 की मार्केट थी और उस वक्त जो हमारा 2008 से पहले जो इकोनॉमिक पोजीशन थी या हमारी डॉलर की जो वैल्यू थी, जिस तरह की उस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन थी, उस वक्त हमारे प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हाई हुआ करते थे, उस वक्त भी चले ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन आज जहाँ पे मार्केट के अंदर आपकी रुपए की वैल्यू आप देखें कहाँ स्टैंड करती है और जहाँ पर काम ही आपका 10 पैसे और 20 पैसे वाले शेयर में हो रहा, तो फिर आप क्या इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से टर्नओवर आपको मिलेगा 20 करोड़ और 30 करोड़ रुपए में कोई ला के इन्वेस्ट करेगा। हम देखें कि बांग्लादेश में भी एक खप चढ़ा, बिल्कुल ब्लैक मनी ब्लैक मनी ब्लैक मनी और वो टूट पड़े, अब वो मार्केट को ही उन्होंने क्लोज कर दिया, गिरा दिया, क्लोज कर दिया। आप देखें विद इन क्या जरूरत पड़ी थी बांग्लादेश वालों को ये करने, एग्जैक्टली विद इन अ डे और सो हमने देखा कि मार्केट के अंदर तमाम चैनल्स बंद हो गए और मार्केट बंद हो गई और इन्वेस्टर रोड के ऊपर खड़े हुए थे, और आपने देखा कि 3 दिन के अंदर उसको फैसले का आपको इम्पैक्ट पता चल गया कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो आपने तो यहाँ पर महीनों के लिए मार्केट को बंद रखा और उसके साथ इतनी ज्यादा, ये जो पिछले 2 दिन पहले एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट इशू बल्कि कल ही की बात है जी, कि ये जो नाटो सप्लाई रूट को खोलने के लिए एक टीम आई हुई थी यहाँ पे, जो बकौल हमें बातें पता चला कि 6 हफ्ते से बैठी हुई थी और नीटी ग्रीटी तय कर रही थी कि मुख्तलिफ रेट्स पे बात हो रही थी। एक सजेशन जो पहले 5,000 पर कंटेनर की थी वो शायद अब 2,000 पे आ गई थी, विच इज़ इन लाइन विद द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स कि हर किलोमीटर पे आप जो है 1 यूरो देते हैं, तो कुछ रिजनेबल उस पर जा रहा था। लेकिन उस टीम का एक बैग विड्रॉ हो जाना और उसके बाद पेंटागन का ये डायरेक्ट पेंटागन का बयान आना, नॉट फ्रॉम क्लिंटन्स ऑफिस, कि जी हमने बुला लिया है और नेगोशिएशन टूट गए और वी डोंट केयर कि ये खुलता है या नहीं खुलता, वी हैव अल्टरनेटिव रूट्स। साथ साथ वो लोवी साहब को आए हुए हैं जो उनके अंडर सेक्रेटरी, अपरेंटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट नोबडी वाज विलिंग टू मीट हिम। तो उससे 2 दिन पहले काफ़ी तलखी पैदा हुई रिलेशनशिप में, शायद उसका भी इम्पैक्ट आया कि हमारे ट्रेडर्स और बिजनेसमैन वगैरह इन चीज़ों को बहुत महसूस करते हैं और उसको उसका इम्पैक्ट लेते हैं। सर साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जिसकी आपने निशानदेही की नेटो के हवाले से और कोई डिसीजन हम नहीं ले पा रहे, देखें एक चीज़ सबसे ज़्यादा लैग करती है वो है हमारे पॉलिटिकल कंसेंसस। ये हमारे पॉलिटिकल और मिलिट्री रिलेशनशिप जो है ना ये बड़े आम मोड़ के ऊपर है। डिसीजन मेकिंग की बात आती है, डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान में सब जानते हैं डिसीजन मेकिंग कहाँ से होती है, लेकिन कंसेंसस होना ज़रूरी। अब इसमें कौन चाहता है कि नेटो से हमारे ताल्लुकात बहाल हो जाएं, कौन नहीं चाहता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन आगे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, हम क्योंकि टेक्निकल बेसिस के ऊपर बात कर लेते हैं, अगर हम तमाम चीज़ों को देखते हैं जैसे नज़र आ रही तो वो एक इलेक्शन का फैक्टर है दोनों कंट्रीज के अंदर इस वक्त। अमेरिका के अंदर भी इलेक्शन है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि इस वक्त कोई बहुत बड़ा डिसीजन लें अपनी अपोलॉजी का इशू है वहीं पे तो रुका हुआ। एग्जैक्टली, अगर ओबामा की अगर अपोलॉजी दे दे मामला खत्म, अपोलॉजी ले लेती है विद इन एक एक तीन लाइन का, मेरे ख्याल में अब तो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ही कर देते हैं सॉरी फॉर दैट एंड ऑल, या आप एक टेक्स्ट मैसेज भेज दें एक ब्लैकबेरी से और मामला सॉल्व हो जाता है और इट टेक्स नथिंग, आपको सिर्फ एक मिनट लगेगा। यासिर साहब यहाँ पे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, नाज़रीन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं शार्प डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट पे और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यासिर साहब हमारे एक्सपर्ट, इन हाउस एक्सपर्ट। हमने कई फैक्टर्स को अभी तक डिस्कस किया है और जिसमें मेन जो है वो जैसे कि कुछ अखबारों ने भी सुर्खी लगाई है, नाटो के साथ जो हमारे टॉक्स अभी इम्पैक्ट हुए हैं वो है, इंटरनेशनल मार्केट में जो ओवरऑल डिक्लाइन आ रही है कमोडिटीज़ में तमाम स्टॉक मार्केट में ड्यू टू यूरोपियन कंसर्न्स, स्पेन के बाद अब इटली की बात शुरू हो गई है उसका भी इम्पैक्ट है, रुपीज़ का डिक्लाइन एक फैक्टर है और जो और फैक्टर्स हैं इस पर बात हो रही है। यासर आप जाने से पहले US रिलेशनशिप के हवाले से और कुछ पैसे वैसे की बात करें। बिल्कुल, तो तारिक साहब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे पैसे की आपने बात की, तो ये पैसे एक रिलेशनशिप होता है ना, जब लेन देन ना हो तो टूट भी जाता है, कोई फर्क इंटरेस्ट की बात होती है और सुबह भी हमारी यही बात हो रही थी कि ये सिर्फ इंटरेस्ट की जंग होती है कि मेरे कितने इंटरेस्ट हैं। और अमेरिका की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, अमेरिका के जिस भी कंट्री के साथ रिलेशन रहें वो टोटली उसके इंटरेस्ट के ऊपर बेस करते हैं। अब आप अगर इसको पॉलिटिकल टर्म के अंदर देखें तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपके रिलेशन जो है किसी कंट्री के साथ वो अपने इंटरेस्ट के ऊपर होना चाहिए, आपने उसके साथ निकाह नहीं करना है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरेस्ट को जो है वो सामने रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का कुछ मामला ऐसे रहे हैं 2001 से लेके अब तक, क्योंकि जो 10 साल गुजरे हैं इसके अंदर मेरे ख्याल में जितने चैलेंजेस पाकिस्तान ने फेस किए ना उतने शायद मेरे ख्याल में 60 सालों में पिछले कभी नहीं किए होंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और ये चैलेंजेस थे आपके इकोनॉमिक साइड से थे और आपको कुछ इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स थी वो कुछ ज़्यादा ही जो है वो फ्यूल्ड हो गई और इस वजह से वो तमाम चीज़ एक्टिव हो गई। एनीहाउ, अमेरिका से रिलेशन की बात होती है, अमेरिका से पाकिस्तान का हमेशा मामला पैसे के ऊपर रहा है। अब पैसा क्या, जैसे 2001 से लेकर अगर आप लॉसेस कैलकुलेट करें तो आपको पता है पाकिस्तान बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर जो अब तक लूज कर चुका है वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के ऊपर। ठीक है जी, वो जो लॉसेस हुए हैं उनको तो खैर कोई क्लेम नहीं कर सकता, जितना ज़्यादा जानी नुकसान पाकिस्तान को हुआ, जितना फाइनेंशियल लॉसेस पाकिस्तान को हुए उतना मेरे ख्याल में दुनिया में किसी को नहीं हुआ। फाइनेंशियल लॉसेस की बात करें तो ये हम एलाई होने के नाते हमारा अग्रीमेंट था, ये अगर अमेरिका हमें पैसे दे रहा है किसी भी सूरत के अंदर तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद हमें भीख मिल रही है किसी नहीं, ये तो कोलिजन सपोर्ट फंड है, हमारे रीइंबर्समेंट है जो हमें मिल रही है, जितने लॉसेस हमने किए हैं अभी तक ये उसकी रीइंबर्समेंट है जो हमें बहुत कम है जो हमारे लॉसेज हैं इसमें। यासिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 91 में जो हमने डिसीजन लिया कि इनके साथ हम गए उसके अलावा हम और कोई डिसीजन ले भी नहीं सकते थे, नहीं लेते तो हम पूरे अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, अमेरिका में बमबार कर देता और हम पूरे दुनिया से आइसोलेट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से तालिबान आए और अफगानिस्तान पे उन्होंने किया, वहाँ से न्यूयॉर्क पे अटैक किया या नहीं किया लेकिन परसेप्शन तो यही है और हम उस इन दोनों के जंग में हम फंस गए। अगर हम अमेरिका का साथ उस वक्त ना देते हमारे लिए कोई चॉइस एज सच नहीं था, नहीं है चॉइस, जंग हुई तो हम फंस गए। सब ये बात फंस गए, बड़ा नुकसान। अच्छी चीज हाईलाइट की है कि अभी अगर नेटो के ऊपर अगर आप देखते हैं कोई डिसीजन नहीं आ रहा, हमारे लिए कितना चैलेंजिंग है इस वक्त, हमारे लिए इकोनॉमी को कितना डिस्टर्ब किया हुआ इस फैसले ने कि नेटो के ऊपर फ्यूचर इसका क्या रहता है। आपने देख लिया एक्सटर्नल थ्रेट्स पाकिस्तान को किस तरह मिल रही हैं, अब यहाँ पर सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, वो 62 कंट्रीज और इसके अंदर शामिल exactly, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया से मैं सीधी आपको बताऊं कि आप पंगा लेकर आप नहीं चल सकते, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा मैटर है जिसको अभी देखने की जरूरत है। 2001 के अंदर आप चले जाएं वहां पे आप देखें उस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी और हमारी पोजीशन क्या थी, मैं फिर ये कहता हूं कि हमारी पॉलिटिकल पोजीशन क्या थी ये देखने की जरूरत है। हमारे यहाँ क्योंकि लोग जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, हम लोग शायद ना नूर अली बरकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा सा व्यू लेते हैं। नूर अली साहब आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? नूर अली साहब कैन यू हियर अस?
शायद ड्रॉप हो गए हैं, प्लीज कंटिन्यू करें आप। तो तरीका मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी 2001 के अंदर जो पोजीशन थी, अभी बहुत सारे लोग मेरे ख्याल में वाकिफ नहीं है। कुछ हमारे एक्सपर्ट्स भी जो है वो एग्जैजरेट कर जाते हैं कि नहीं, हम लोग उस वक्त नहीं थे बड़ी पोजीशन। हम लोग कभी भी इस पोजीशन में नहीं रहे कि हम एक बोल्ड और वाइज डिसीजन ले सकें, वेरी सॉरी टू से। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, कभी इस पोजीशन में हम थे ही नहीं। पाकिस्तान बना है, हम लोग की आर्मीज इतनी क्लोज रही हैं, हमारे तमाम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अमेरिकन है, ट्रेनिंग हमारे तमाम जनरल कर्नल ब्रिगेडियर की वहीं होती है, तो इतनी क्लोज रिलेशनशिप में आप इतनी आसानी से डाइवोर्स नहीं कर सकते। देखें आपके रिलेशन, देखिए नोरी साहब से बात करते हैं। नोरी साहब, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम जी। नोरी साहब, नोरी साहब कैसे हैं आप? बस ये अल्लाह का करम। नोरी साहब, हम बात ये कर रहे हैं कि पिछले दो चार दिनों में जो एकदम से 13,500 का लेवल भी टूट गया, और इसकी क्या फंडामेंटल रीजंस आप देख रहे हैं? क्या ये परमानेंट सिचुएशन है या ये बाउंस बैक करेगी मार्केट? देखें, जब तक मार्केट 10% की करेक्शन करती है तो थियोरेटिकली तो हम ये कहते हैं कि मार्केट करेक्टिव फेज के अंदर है, तो एट दिस पॉइंट टाइम हम ये नहीं कह सकते कि ये परमानेंट सिनेरियो है। लेकिन जो चीज देखने वाली है वो ये है कि पीकेआर ने पिछले 1.5-2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर काफी डेप्रिसिएशन ली है, और आगे भी अगर हम देखें तो जो अभी स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसके अंदर एक क्लियर इंडिकेशन दी गई है कि मॉनेटरी पॉलिसी या जो इस वक्त डिस्काउंट रेट है उसको मूव करने से कोई भी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम अगले FY13 के अंदर देखें तो $2.6 बिलियन की जो हमें फाइनेंशियल अकाउंट या जो हमें IMF की पेमेंट करनी है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ऑल्दो हमें कुछ सपोर्ट मिलेगी करंट अकाउंट साइड पर जो डिक्लाइनिंग क्रूड ऑयल प्राइस है, बट ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखें तो लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्दर पीकेआर की डेप्रिसिएशन होगी, और इस वजह से जो मार्केट है मेरे ख्याल से उस चीज को सब प्राइसिंग कर रही है। अच्छा, तो ये जो एक बात हो रही है कि जो अमेरिका से अंडरलाइंग रिलेशनशिप है, कुछ बीच में परसों से बहुत टेंशन उसमें आ गई जब से ये नेटो की टीम वापस गई है, जिसने बकौल एक्सपर्ट्स के काफ़ी चीज़ें तय कर ली थी, एक बैग ये ब्रेकेज आया है, उसका आप समझते हैं इम्पैक्ट है? क्योंकि $59 मिलियन का आउटफ्लो हमने परसों देखा, उसको आप कैसे देखते हैं? वो जो 69 मिलियन का आउटफ्लो है वो तो हब पावर कंपनी के, अच्छा ये दाऊद वालों ने जो लिया वो था? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। तो वो उसके उससे पहले 60 मिलियन का हमने आउटफ्लो देखा विद इन अ वीक। हाँ जी, वो जो एक हमने जो आउटफ्लोज देखे हैं मेरे ख्याल से वो एक रीजनल ट्रेंड के अंदर है, रीजनल मार्केट्स भी नीचे आई है एंड वो कंसोलिडेट कर रही है, तो वो रीजनल ट्रेंड के साथ साथ हमारी मार्केट के अंदर भी थोड़ा आउटफ्लो हो रहा है, तो आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात है। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल्स किस तरफ जा रहे हैं, तो इस द बेस्ट पार्ट इज कि कोई मेजर सेलिंग नहीं आई है। आई विल नॉट कंसिडर जो अभी भी 10-15 मिलियन, 20 मिलियन की सेलिंग आई उसको कि एक मेजर सेलिंग है। अच्छा ठीक है, आप अभी फ्लोर कहाँ पे देख रहे हैं मार्केट की? सॉरी, ये नीचे कहाँ तक जा सकती है इस वक्त? मेरे ख्याल से जो मार्केट का लेवल नीचे की तरफ हो सकता है वो 12,800 से 13,200 के दरमियान एक आइडियल लेवल आ जाएगा, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी मेरे ख्याल से एग्रेसिवली एक पोजीशन लेंगे। देन फिर जून एंड के बाद जो हमारा रिजल्ट सीजन आता है तो उसकी भी मेरे ख्याल से एक वैलिडिटी होगी, तो ये जो पीरियड है मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी हम कंसोलिडेशन देखेंगे एंड इंशाल्लाह रमजान के महीने के अंदर मार्केट के अंदर हम थोड़ी सी बुलिश एक्टिविटी देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया अली बकदरी साहब आपके इनपुट का। ये बेसिकली कह रहे हैं कि ये जो 69 मिलियन का हमने उस दिन भी जिक्र किया था, ये कंफर्म करें कि दैट हैज़ टू डू विद हबको सेल ऑफ 17% शेयर टू दाऊद ग्रुप। चलिए ये अच्छी बात है कि क्लैरिफाई हो गई हम और आपको भी, क्लैरिटी नहीं थी कि विच डे दिस ट्रांजैक्शन वाज पास्ड थ्रू द बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है, इसका बड़ा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ा है, लेकिन ओवरऑल आम आदमी तो यही देख रहा है ना कि 69 मिलियन गया पाकिस्तान गया, बिल्कुल। क्यों उन्होंने बेचा, इंटरनेशनल कंपनी ने क्यों बेचा? क्यों बेचा? ये भी एक दिमाग में एक खौफ आता है, साथ साथ ICI के डिसइन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, ये भी एक फैक्टर है कि क्यों ICI डिसइन्वेस्ट, क्या उनको कोई कैश की जरूरत पड़ गई है, क्या उनके यूरोपियन एस्को नोबल को कोई बहुत कैश का शॉर्टेज आ गया है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरह से बेच रही है, या उनकी जो परसेप्शन है पाकिस्तान के बारे में खराब हो रही है, ये कंसर्न्स तो आते हैं जहन में और हर इन्वेस्टर जो है इसको देखता है। नॉट अ वेरी वेलकम थिंग।
और अभी जो हम आप बहुत तफसील से नाटो और यूएस रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, शुरू से हम लोग एलाई रहे अमरीका के, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे कंप्यूटर्स, हमारे सिस्टम्स, हमारे हर चीज़ जो है ना उससे लिंक अप है, उससे इस तरह की तलखी पैदा होना इज़ नॉट अ वेलकम थिंग। नोबडी इन पाकिस्तान जो सेंसिबल लोग हैं, कुछ तो जिहादी हैं जो कहते हैं जी अमरीका को हम नहीं कैसे मार के खत्म कर देंगे। फैक्टर्स को भी अगर एक तरफ रखते हुए अगर हम देखें तो हमारे आप सबसे देख लें कि हम एक मुल्क बनने के बाद जो हमने सबसे पहले जो काम किया था वो यही किया था कि अमेरिका के साथ काम शुरू किया था, उसके रिलेशन हमने डेवलप करने पे काम किया था। अब ये कोई एक हफ्ते, दस दिन, साल, डेढ़ साल, दो साल, पाँच साल पहले का रिलेशन नहीं है, ये फ्रॉम डे वन सिंस यू वर बॉर्न तब से हमारे रिलेशन जो है सोवियत यूनियन में के साथ लग जाते चाहते थे जैसे इंडिया ने किया, चलें ये नॉन अलाइड हो जाते, ये तो सब एक हमेशा से ऐसी डिस्कशन रही है कि पाकिस्तान में ये मामला मेरे ख्याल में अभी तक सॉल्व नहीं हो सका है और आगे भी लोग जो है इसके ऊपर वो करते रहेंगे। चलें उसको अगर एक तरफ रख देते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि आपके जिसने आपने 60 साल 65 साल आपने लगा दी उसके साथ रिलेशन बनाने पे, तो अब एक फैसले के ऊपर आप उसको एकदम से वो रिवर्ट बैक कर जाना अपने फैसले से और फिर वो रिलेशन खत्म कर देने की बात करना, अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर अपने इंटरेस्ट को सामने रखना है, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इस वक्त सही डिसीजन नहीं होगा। आप चाहते हैं उनसे रिलेशन खत्म करना, आप बिल्कुल ठीक है आप कर दीजिए, आप आईएमएफ से चाहते हैं ताल्लुक खत्म कर देना, मैं कहता हूं पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी तो बात कोई नहीं होगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप तो इस पोजीशन में हैं कि आप इस वक्त ये डिसीजन ले सकते हैं, आप वाइस और बोल्ड डिसीजन की बात करते हैं लेकिन उसके लिए ग्राउंड होना चाहिए डिसीजन लेने के लिए, या से प्रॉपर टैक्सेस अपने अमीरों से कुछ सेक्टर से जहां नहीं लिया जा रहा तो किसी आईएमएफ स्कीम को जरूरत नहीं है, यही बल्कि अपना 60 बिलियन का जो डेट है रिपेमेंट करना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल मैं यही कहता हूं कि सलमान नकवी साहब आ गए हमारे साथ। सलमान नकवी साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हैं जनाब? जी फाइन अल्लाह का शुक्र। थोड़ी सी हम आज इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं कि ये जो हमने 13,500 का लेवल टूटते हुए देखा कल, 172 पॉइंट की डिक्लाइन, उसकी कुछ फंडामेंटल रीजंस बताएं आपके नजर में क्या है? ये कल जो घटी थी उसकी बात कर रहे हैं जी? ओवरऑल हमने देख रहा है कि पिछले दिनों स्लोली हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। देखिए बहुत सारे रीजन है, पहले नंबर पर जो है इंटरनेशनल मार्केट्स की गिरावट और ऑयल प्राइसेस का घटना, ये तो पहले उस पर टॉप पर है। नंबर टू हमारे अपने अमेरिका से जो रिलेशन है और नेटो सप्लाई का बहाल ना होना, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिससे हमारे मईशत पे बड़ा गहरा असर पड़ता है और डॉलर जो एप्रिशिएट पिछले दिनों करता रहा है वो इसकी बुनियादी वजह यही है। तो कल ये खबरें थी कि वो छोड़ के चले गए हैं और मुज़ाकरात अधूरे रह गए हैं, तो कल खासा नेगेटिव इसका सिनेरियो नजर आ रहा था। तीसरी चीज हमारे लोकल फ्रंट पर अगर हम आ जाए तो अब ये जजेस का इशू है और इस पे जो पॉलिटिक्स हो रही है तो ये खासी नेगेटिव है, क्योंकि पिछले चार साल में हमने हमारे सियासतदानों ने सिवाय पॉलिटिक्स की है या जजेस ने पॉलिटिक्स करते हैं क्या करते हैं, बहरहाल इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारी मईशत पे और इन्वेस्टर तो घबरा जाता है, खौफजदा होता है, साइड लाइन हो जाता है। तो ये तीन बुनियादी रीजन है जिसकी वजह से मार्केट में हमने जो है गिरावट देखी, वॉल्यूम श्रिंक कर गए हैं और आज थोड़ा ठहराव है इसलिए कि इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा ठहराव नजर आया है हमें। फिर साथ साथ हमने देखा है नेटो के हवाले से कोशिशें जा रही हैं सप्लाई के हवाले से, कल ब्रिटिश मिनिस्टर ये बड़ी खुशाइन बात है कि ब्रिटिशर्स बीच में आ गए हैं। जी हाँ, दोनों साइड को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई सारी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, इसमें कोशिशें जारी हैं और इसमें इसलिए हमने थोड़ा सा सुकून का सांस लिया इसमें और हमने देखा मार्केट में हमें बैलेंस सिचुएशन थोड़ी नजर आई है। हाउएवर लोकल फ्रंट पे जरा ये जो इश्यूज कुछ उठ गए हैं तो मेरी समझ में नहीं आता ये लोग कब सीरियस होकर मुल्क के लिए काम करेंगे या एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए, जब से चार साल से मुसलसल कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज मीडिया एक मीडिया को काम ब्रेकिंग न्यूज देना, इश्यूज को और हाईलाइट करना और आग जलाना और फिर तमाशा देखना, तो मकसद ये है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। तो ये इसकी वजह से हमारे न सिर्फ स्टॉक मार्केट, अक्रॉस द बोर्ड जो भी बिजनेस एक्टिविटी है बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो रही है और साथ साथ हमारे शहर में आज स्ट्राइक भी है कारोबारी तबके की जानिब से, ये भी बड़ा फिक्र है। मैं समझता हूँ इस पे मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज देनी चाहिए, इस पे प्रोग्राम्स करने चाहिए, क्यों स्ट्राइक्स हो रही है, क्यों बिजनेस परेशान है, क्यों बिजनेसमैन इनसिक्योर फील कर रहा है, इस पे कोई तवज्जो नहीं है। सही कह रहे हैं। देखिए एक जो ब्रिटिशर्स के आने की एक और एक जो साइड में एक अच्छी खबर आई वो ये है कि GSP देना चाह रहे हैं वो हमें और कह रहे हैं कि हम इस पे हेल्प करेंगे आपको, यानी कि आपकी एक्सेस टू यूरोपियन मार्केट इम्प्रूव होगी, एक तरह से बेट दिया उन्होंने, वो भी एक खुशाइन बात है। आई होप कि ब्रिटिशर सक्सीड इन
ब्रिंगिंग सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान, और ये कन्फेडरेशन के तो हम लोग ना जाएं। ईरान ने थोड़ा सा कन्फेडरेशन लिया है, उसकी करेंसी आधी हो गई, वहाँ सारे ट्रांजेक्शन रुक गए, इकॉनमी बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई है। वी कैन नॉट अफोर्ड दिस कन्फेडरेशन नॉट ओनली विथ यूएस बल्कि पूरे कोलिजन फोर्सेस के साथ। डेफिनेटली आपकी बिल्कुल बजा बात है, और ईरान जो एक रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है और फोर्थ ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है, इसलिए वो स्टैंड लेता है, उसकी बैक मजबूत है, और वो आज नहीं तो कल परसों सब कुछ वो रिकवर कर सकता है। बट हमारे यहाँ मसाइल कतई मुख्तलिफ है, ग्राउंड रियलिटीज टोटली इंटायरली डिफरेंट है। आई डोंट नो किस बेसिस पर हम ये स्टैंड ले रहे हैं और मजीद इसको बढ़ाते जा रहे हैं जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। अब इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस घट रही है, ऑयल प्राइसेस घट रही है, लेकिन हमें इसका कोई फायदा इसलिए नहीं होगा कि डॉलर बढ़ गया है, हमें कोई फायदा नहीं होगा। अदरवाइज अगर डॉलर कंट्रोल में होता तो जो ऑयल प्राइसेस घटे थे और जिस तरीके से कमोडिटी प्राइसेस घटी थी, हमें इसका बेतहाशा फायदा हो सकता था, लेकिन वो सब फायदा हमने जाया किया है। इस पर कोई तवज्जो नहीं है, और मैं फिर अगेन वंस अगेन मीडिया की मैं शिकायत करूंगा कि वो इन चीजों पर प्रोग्राम नहीं करते हैं। ये शिकायत बिल्कुल बजा है, रेट का इशू है, कल हमारी करेंसी डीवैल्यू हुई है, यहाँ साहब को जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी कि उनकी वजह से फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई है, और उनको जो वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया उनके आने के लिए तमाम रास्ते खुले हुए थे। ये क्या है, हु इज ही कि जिसके वजह से ये वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया कि स्ट्रीट्स को ब्लॉक कर दिया गया और उनकी गाड़ी तेजी से निकल के चली गई। तो ये चीजें सही कह रहे हैं आप कि ये बड़ा नेगेटिव चीजें हैं, एक छोटे से बात को इतना उन्होंने तूल दिया है, विच इज वेरी वेरी डैमेजिंग। तो बस हमारा फोकस कुछ मईशत से कम है। अच्छा, ये हमारे साथी एंकर यासिर साहब ने एक बड़ी अहम बात कही कुछ देर पहले, उन्हें कहा ये जो नाटो का मामला है इसको अमेरिका का मामला कहना बिल्कुल गलत है, ये मामला ये है कि यूनाइटेड नेशन ने एक इंटरनेशनल फोर्स भेजी हुई है अफगानिस्तान, उनके काम में जब हिंड्रेंस हम देते हैं तो दुनिया के काम में हिंड्रेंस देते हैं, उसके बेसिस पे बड़ी आसानी से हमारे खिलाफ यूनाइटेड नेशन के थ्रू सैंक्शंस आ सकती हैं, नॉट फ्रॉम यूएस बट यूनाइटेड नेशन, एंड दैट कैन बी वेरी वेरी डैमेजिंग। सिर्फ हमारे स्टेट बैंक पे अगर वो पाबंदी लगा दें जैसे कि ईरान के साथ वो कर रहे हैं, तो हम कहाँ खड़े होंगे। डेफिनेटली सर, आप ये रुपीज तो गिरते गिरते फौरन 200 पे चला जाएगा। अभी भी हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं पहुंचे हैं, और इस तीन चीजों पर तवज्जो दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अफसोस इस बात का होता है अगर तवज्जो दी जाए और फिर काम ना हो तो चले अफसोस कम होता है, लेकिन हमें तो बाजार ऐसा लग रहा है कि इन चीजों पर कोई ऐसी तवज्जो नहीं है, और लोग का ध्यान कहीं और बटा दिया गया है। लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है पाकिस्तान में, उसका फायदा उठाया जाता है और उन्हें टॉक शोज में और जो फजूल बहसे कर रहे होते हैं दो दो घंटे चार चार घंटे और अगले हफ्ते नए इशू कर रहे होंगे, उससे अगले हफ्ते नए इशू पे कर रहे होंगे, उन चीजों में उलझा दिया गया है, असल चीजों से जो है वो हम काम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें अगर हल हो जाए तो पोटेंशियल बहुत है, और हमारी जो मार्केट वो खराबी इसीलिए हुई है, हमारे इंडिविजुअल आइटम्स में सेक्टर वाइज बहुत अच्छी बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का, वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। यासिर, वही बातें जो आपने कही थी वो भी यहाँ भी दोहराई जा रही है, और ये जो आपने इससे पहले बता रहे थे कि दोनों तरफ इलेक्शन है और ये ना वो माफ़ी दे रहे हैं ना हम कोई और रास्ता ढूंढ रहे हैं, सम सॉल्यूशन आई होप कि ब्रिटिश इज वेरी प्रूडेंट पीपल, they've ruled the world for a long time, they know our psyche, they understand the US also, so koi na koi rasta inshallah nikalenge. One last word main Tariq sahab yahan ye add karna chahunga ki ye waqt hai, ab aap seriously in tamam cheezon ke bare mein sochein, aapke paas agar ye aakhri mauka Allah ne aapko diya hai to aap iske upar sochein aur iske upar koi decision lekar jaye taaki aane wale log aane wali nasle aapko yaad rakhein, aur yahi ek aisa issue agar aapne is waqt agar decision agar aapne nahi liya तो फिर आपके पास कोई चांस नहीं होगा वापस आने का, या फिर आपको हिस्ट्री जब लिखी जाएगी तो आप उसमें आपका कोई पार्ट अनफॉर्चुनेटली आपने बड़ा एक नहीं बात कह दी, बड़ी खतरनाक बातें कह दी, आपकी एज के आप के एज में ऐसी ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान होता हूँ। चलिए लेट पीपल थिंक अबाउट इट, जो यासिर कह रहे हैं कि इनफैक्ट वी आर सिटिंग इन ए वेरी क्रिटिकल सिचुएशन इन हिस्ट्री, अमरीका से कॉन्फ्रेंटेशन या नाटो से कॉन्फ्रेंटेशन या यूनाइटेड नेशन से कॉन्फ्रेंटेशन is not a welcome thing, it can destroy our economy. ये जो मैंने अभी बीच में एक बात कही थी कि आप 96 पे रुपीज़ के जाने का रोना रो रहे हैं,
आप एक दफ़ा इनसे टक्कर लेके तो देख लें, आपकी करेंसी अगर 200 रुपये पे नीचे गई तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ईरान के साथ ये अभी भी हुआ है, कोई पुरानी बात नहीं है, ये 3-4-5 महीने के अंदर ईरान की करेंसी आधी हो गई, वहाँ तमाम ट्रांजेक्शन्स रुक गए, उन्होंने करेंसी सेल पर पाबंदी लगा दी, उन्होंने इम्पोर्ट पर पाबंदी लगा दी, फिर भी उनके मामला सुधर नहीं रहे। नकवी साहब ने जैसे कहा कि फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, उसके जब ये हालत है तो हमारी क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। या तो ऐसे ही लोग पैसे लेके भागने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो जैसी ये बात होगी सब डॉलर में कन्वर्जन शुरू हो जाएगी, यहाँ से पैसे एकदम से रेस हो जाएंगे। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो और हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लें। ठीक है, सलाला का मामला बहुत सीरियस है, अमेरिकन शुड फाइंड ए वे टू अपोलोजाइज फ्रॉम अस एंड वी शुड ओपन द वे। एक चीज़ मैं एम्फसाइज करता हूँ कि ये जो 2000 मिलेगा या 250 मिल रहा था डॉलर या 5000 हम मांग रहे थे, उसके अलावा आप ये ना भूलिए कि आपकी जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है $5 बिलियन सालाना कमा रही थी, लॉट ऑफ पीपल वे मेकिंग लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस ट्रेड। ये एक नॉर्मल इंटरनेशनल ट्रेड है जो हम अफगानिस्तान को भी अलाउ करते हैं, दूसरों को भी अलाउ करते हैं। अगर ये ट्रेड यहाँ से गुजरता है, ठीक हमारे रोड टूटते हैं लेकिन हमें कमाई भी तो होती है ठीक ठाक, तो इन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। हमारा मफाद भी, फाइनेंशियल मफाद भी इसमें है कि ये रूट्स खुल जाए और हम अभी नाटो से कोई टक्कर ना लें, वो वहाँ से वहाँ चले जाए अफगानिस्तान से, फिर हम अपने मामलात को तय करते रहेंगे। इस मौके पे टक्कर लेना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, ये भला यहाँ से गुजर जाए इंशाल्लाह से रीजन फिर पीसफुल हो जाएगा। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम पे फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस नोट कर लें, feedback@businessplustv.pk। आपके इनपुट का हमें इंतज़ार रहता है, उसी के बेसिस पे प्रोग्राम्स बनाते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफ़।